इस क्वेश्चन में कह रहा है इवैल्यूएट अगेन हमें इन सब की वैल्यूज निकालनी है इससे पहले के क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि मैंने प्लीज़ उसको सॉल्व करने से पहले उनको ज़रूर देखें या आप मेरी साइट www.elearnmath.in पे जाएं सिंपली अपनी क्लास क्लिक करें बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट देख सकते हैं तो देखिए फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना फर्स्ट पार्ट में कह रहा है फाइव अपॉन नाइन की पावर माइनस टू इंटू थ्री अपॉन फाइव की पावर माइनस थ्री इंटू थ्री अपॉन फाइव की पावर ज़ीरो अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तो पावर्स माइनस में हैं, लेकिन यहां है लेकिन यहाँ ज़ीरो है पहली बात दूसरी बात इन दोनों के जो बेस वैल्यू हैं वो दोनों डिफरेंट हैं लेकिन इन दोनों की बेस वैल्यू सेम है तो कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात किसी की भी पावर जीरो का मतलब वन होता है तो दैट मींस थ्री अपॉन फाइव की पावर ज़ीरो का मतलब वन है राइट right? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं फाइव अपॉन नाइन की पावर माइनस टू इन थ्री अपॉन फाइव की पावर माइनस थ्री इंटू वन लिख सकते हैं क्योंकि किसी की भी पावर ज़ीरो का मतलब वन होता है और वन को किसी से भी मल्टीप्लाई करें वही नंबर आता है तो इस वन की नीड यहाँ नहीं है मतलब इसको आगे नहीं लेके जाना है अब हम माइनस की पावर क्या करेंगे पॉजिटिव बनाएंगे तो माइनस की पावर पॉजिटिव कैसे बनती थी जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में आ जाता था और जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ जाता था राइट right? तो ये हमारी पावर पॉजिटिव बन गई अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका मतलब क्या है नाइन की भी पावर टू है और फाइव की पावर भी टू है इसी तरीके से यहाँ पे फाइव की पावर थ्री है और थ्री की पावर भी थ्री है अब इसको इवेलुएट करना है तो देखिए नाइन की टू है पावर तो नाइन की दो बार मल्टीप्लाई फाइव की पावर टू है तो फाइव की दो बार मल्टीप्लाई इंटू फाइव की पावर थ्री है तो तीन बार मल्टीप्लाई फाइव की और थ्री की पावर थ्री है तो थ्री की थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई राइट अब जो कैंसिल होता है ऊपर नीचे सेम नंबर से कट जाएगा तो देखिए फाइव फाइव से कट गया फाइव फाइव से कट गया थ्री वन ज थ्री 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 इज़ा नाइन थ्री वन जॉ थ्री थ्री वन ज़ा थ्री थ्री वन जॉ थ्री 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 इजा नाइन तो क्या बच गया हमारा एक ये थ्री और एक ये फाइव तो हम यहाँ लिख देंगे थ्री इन टू फाइव बज गया और नीचे कुछ नहीं बचा है तो वन लिखने की ज़रूरत नहीं है डिनोमिनेटर में और थ्री फाइव जा कितना होता है फिफ्टीन तो हमारा आंसर कितना आ गया फिफ्टीन इज़ द आंसर लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ सेकेंड पार्ट में कह रहा है माइनस थ्री अपॉन फाइव की पावर माइनस फोर इंटू माइनस टू अपॉन फाइव की पावर टू तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे देखिए अब सबसे पहले हम पावर्स पॉजिटिव बनाएंगे तो पावर पॉजिटिव करने के लिए माइनस तो अपनी जगह रहा डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर में आ गई और न्यूमरेटर वाली डिनोमिनेटर में और पावर पॉजिटिव हो गई इंटू माइनस टू अपॉन फाइव की पावर टू अब मैंने आपको बताया था फिर से बता रही हूं वो चीज अगर माइनस की मल्टीप्लाई ऑट टाइमिंग्स है तो आंसर माइनस में ही आएगा और माइनस की मल्टीप्लाई इवन टाइम हो रही है तो आंसर पॉजिटिव आएगा तो देखिए माइनस की पावर कितनी है फोर फोर क्या है इवन है तो आंसर प्लस का ही आएगा तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है अब क्या लिख सकते हैं इसको फाइव की पावर फोर और थ्री की पावर फोर ये लिख सकते हैं एन टू इसी तरीके से यहाँ पे भी माइनस की पावर इवन है तो आंसर प्लस में ही आएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं टू की पावर टू अपॉन फाइव की पावर टू आप कैसे करेंगे देखिए फाइव की पावर फोर है तो फाइव को फोर टाइम्स लिख लेंगे और थ्री को फोर टाइम्स लिख लेंगे थ्री इन टू थ्री इन थ्री थ्री और टू को टू टाइम्स और नीचे वाले फाइव को भी टू टाइम्स लिख लेंगे अब जो कटता है वो काट देंगे तो देखिए एक फाइव कट गया और दूसरा फाइव कट गया दैट्स इट। और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो देखिए फाइव फाइव इज ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव टू जज फिफ्टी फिफ्टी टू हंड्रेड तो हंड्रेड आ गया ऊपर और नीचे देखिए थ्री थ्री इज अन नाइन थ्री इज ठवेंटी सेवन एंड ट्वेंटी सेवन थ्री इज इज वन तो हंड्रेड अपॉन एट्टी वन इज़ द आंसर लेट्स यू लास्ट पार्ट नाउ थर्ड पार्ट है हमारा माइनस टू अपॉन थ्री की पावर माइनस थ्री इंटू माइनस टू अपॉन थ्री की पावर माइनस टू अब देखिए बेस वैल्यू दोनों की सेम है राइट right? तो हम क्या करेंगे पावर्स क्या होती थी जब बेस वैल्यू सेम होती थी ऐड हो जाती थी पावर्स तो टू अपॉन थ्री एज इट इज अब माइनस थ्री में प्लस हो जाएगा माइनस टू अब इसको सॉल्व कर देंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे माइनस टू अपॉन थ्री एज इट इज आप देखिए माइनस थ्री के बाहर प्लस साइन है प्लस माइनस माइनस थ्री प्लस माइनस माइनस टू तो अब क्या आ जाएगा माइनस टू अपॉन थ्री की पावर क्या आ जाएगी जब दोनों माइनस की वैल्यूज होती हैं तो आपस में ऐड हो जाती है और साइन बड़े वाले क्या लग जाता है ये हमने इंटीजर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अब जब भी पावर माइनस की होती है सबसे पहले उसको पॉजिटिव पावर में बना तो माइनस एज इट इज रहा अब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर में आ गई और न्यूमरेटर वाली डिनोमिनेटर में और पावर पॉजिटिव हो गई अब माइनस की पावर फाइव है तो मैंने अभी अभी आपको बताया था माइनस की पावर अगर और टाइम्स मल्टीप्लाई होती है तो आंसर माइनस में ही आता है तो माइनस लगा देंगे अब थ्री की पावर फाइव तो थ्री की पावर फाइव का मतलब है थ्री की फाइव टाइम्स मल्टीप्लाई थ्री फोर एंड फाइव और टू की पावर फाइव तो टू की फाइव टाइम्स मल्टीप्लाई टू थ्री फोर एंड फाइव टाइम्स तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस तो लगेगा ही लगेगा अब देखिए थ्री थ्री इज अन नाइन थ्री ज ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन थ्री ज़ इज एटी वन एट्टी वन थ्री जज टू फोर्टी थ्री अपॉन टू टू ज फोर टू जट एट टू जिक्सटीन सिक्सटीन टू ज थर्टी टू तो माइनस का टू फोर्टी थ्री अपॉन थर्टी टू इज द आंसर लेट्स यू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ